अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल दिस इज दिसा तो देख रहे हो लाइफ इज ऑसम यूट्यूब चैनल की हालचान है तो आप मज़े में हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरे से भी ज़्यादा दुगने तिगने चार गुने दस गुने सौ गुने ज़्यादा मज़े में होंगे सामने आप देख सकते हैं देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बरिस्ता ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पर है ये ठीक है यहाँ भी बरिस्ता लिखा हुआ है सामने भी बिश्ता ये सब सामने भी उस ट्रांसफार्मर शॉट ऑफ है तो चले आए अंदर की तरफ चलते ट्रांसफार्मर नहीं जनरेटर होता है मेरे ख्याल में वो खैर छोड़ें उसको आए अंदर की तरफ चलते हैं ये है मॉडल टाउन में शहर हो गया रोहतक मॉडल टाउन में हम हैं ठीक है चार खम्बा चौक है यहाँ करीब में ये लैंडमार्क समझ लीजिए गूगल मैप पे आप डालेंगे बड़े आराम से आ जाएंगे ये सामने मेरी खूबसूरत बीवी मेरी प्यारी सी बेटी को गोदी में लेके घुमा रही है तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है इनका हाल फिलहाल में साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे बरिश्ता स्टार्ट हुआ है ठीक है मेरे ख्याल में अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता मेरे ख्याल में दिस इज द ओनली बरिश्ता फ्रेंचाइजी आउटलेट इन रोहतक सिटी दे कुड बी मो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैं चेक करूंगा इस बारे में ना अगर आपको पता हो तो बताइएगा तो बस आज एक्चुअली निकले कहीं और के लिए थे वो जगह बंद थी तो फिर मैंने बोला मेरे दिमाग में था कि यहाँ बरिश्ता भी जाया जा सकता है और अब खूबसूरत लड़कियों को तो अच्छी जगह बिठा के चाय पिलाना कॉफ़ी पिलाना या कुछ भी खिलाना पिलाना है या उनकी सेवा करना वो बड़ा मज़े का काम होता है मेरे लिए मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और मेरी बेटी तो खैर वो तो प्यारा सा छोटा सा तारा है तो ये आप देख लें सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है पीछे एक वहाँ बैठा हुआ और दो बंदे यहाँ बैठे तो दो तीन चार पंज छः सात सात लोग बैठे हुए थे जब मैं आया था क्योंकि थोड़ा सा ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया दे टुक अराउंड लाइक टेन मिनट्स ठीक है एक मैंने वाइफ से पूछा मैंने उनको मेन्यू दिखाया मैंने उनसे पूछा आप क्या लेना पसंद करेंगे उन्होंने कहा कि मैं पनीर टिक्का सैंडविच लूँगी मैंने कहा ठीक है मैं गया बिल पे किया और फिर वी जस्ट वेटिंग ये देख लें आप कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे भी कुछ कुछ खाने को आप खा भी सकते हैं ये पिज़्ज़ा रखा हुआ है ठीक है वेज पफ हो गया एक सौ का वेज मोमोज हो गए एक सौ रुपये के ये एक सौ का है कुछ ये पनीर टिक्का सैंडविच टू और ये शायद कुछ अलग पनी टिक्का सैंडविच होगा टू सेवेंटी नाइन क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया वो तो टू हंड्रेड रुपीज़ का अच्छा ये देख लें हॉट क्लासिक है कोल्ड क्लासिक है सिग्नेचर कोल्ड सिग्नेचर हॉट आइस टी आप ले सकते हैं कूलर्स हैं रैप्स हैं सैंडविचेस वगैरह हो गए पनीर टिक्का सैंडविच दो सौ रुपये हो गया ठीक है कॉफ़ी कंपेनियन हो गया तो ये सारी चीज़ें हैं पन्ना पलटे हैं यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स हो गया इंडेजेंटेंटेंटेंटेंट डेजर्ट्स ले सकते हैं नीचे केक्स हो गए 500 हंड्रेड ग्राम्स के सिक्स हंड्रेड समथिंग प्राइस था अच्छा ये इसका एड्रेस देख लें आप जैसा मैं बता रहा था मॉडल टाउन चार खम्बा चौक रोहतक हरियाणा ठीक है ये एक ऑर्डर मैंने प्लेस किया था तो वही दो सौ रुपये का बिल हो गया था पनीर टिक्का सैंडविच दस रुपये का जी एस टी वी एस टी हो गया ये सामने मेरे बच्चे दोनों बैठ के वेट कर रहे हैं ये मैं भी बैठ के वेट कर रहा था जी हाँ इतनी प्यारी लग रही थी आराम से बैठी हुई थी दैट्स मी अभी जैकेट पहनी हुई है बहुत गर्मी लग रही है तो मैं तो अभी भी गाड़ी में बैठा हूँ मैंने बी बच्चों को बोला आप जाएँ आराम से चाह भी दी उनको आप बैठे और ऊपर आराम से मैं गाड़ी में ही वॉइस ओवर करके आता हूँ घर में बच्ची बहुत परेशान कर देती है ये आ गया था पनीर टिक्का सैंडविच सही लगा मुझे तो मेरी वाइफ को अच्छा लगा वो एक्चुअली खाती है मेरे को ये सब चीज़ें घर की या छोटे मोटे कैफे की अच्छी लगती हैं जैसे ये बरिश्ता एक अपने आप में अच्छा अच्छी जगह है बट अब हम हम ऐसी जगहों पे खाए पिए बड़े नहीं हुए हैं तो मुझे नहीं आ, ऐसी जगहों पर ज़्यादा हाइजीनिक लगता है मेरे को वो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता मेरे को पता नहीं क्यों बट दैट्स ओके हर आदमी का अपना अपना वो होता है यार मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसका टेस्ट अच्छा ही होगा जब उन्होंने ऐसा कहा है तो साथ में इन्होंने मस्टर्ड सॉस दे रखी थी और रेड वाली सॉस दे रखी थी जियाना ने क्लेंज कर दिया कि मम्मा मेरे को डालनी है सॉस तो मैंने बोला ठीक है तू करती रहे कलेश मैं वीडियो में सबको बता दूंगा कि जियाना देख तू ऐसे ऐसे कलेश करती थी जब तू छोटी थी ये कुछ भी नहीं खा रही थी और कह रही है मेरे को सॉस डालना है मेरे को सॉस डालना है मैंने कहा ठीक है डाल ले तू मोटी प्यार से बोलता हूँ मेरी बेटी को मैं मोटी मैं तो बाप हूँ मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ उसको सारी जिंदगी मतलब प्यार से ऑब्वियसली ये मेरी प्यारी सी बच्ची है थोड़ा थोड़ा सा खा रही है थोड़ा सा उनकी मम्मा खा रही है थोड़ा सा उनके पापा खा रहे हैं पापा